सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सीटेट के आवेदन जो है 5 तारीख से जो है वो शुरू हो गए हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और कल से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर इसकी कुछ शर्तें भी हैं, उसको भी हम अभी जानेंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी क्या डेट है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट है वो 5/2/2019 यानी कि 5 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होंगे। और बात करें कब तक है, तो 5 मार्च तक जो है इसकी आखिरी डेट जो है वो रखी गई है, यानी कि टोटल 1 मंथ का जो है वो टाइम पीरियड रखा गया है। इसके अंतर्गत जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और बात करें लास्ट डेट फीस सबमिशन की, तो 8 तारीख जो है वो लास्ट डेट फीस सबमिशन की है। और बात करें टाइमिंग की, तो 3:30 और PM का टाइम है, यानी कि जो दोपहर के 3:30 हैं वो जो है वो रखी गई है। बात करें डेट की, तो डेट जो है वो एग्ज़ाम की निर्धारित की गई है 7 जुलाई को, 7 जुलाई 2019 को संडे जो है वो पड़ रहा है, इस दिन जो है वो पेपर की डेट रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन कौन लोग जो है वो इसको क्या क्या शर्तें पूरी करते हैं उस आधार पर जो है वो भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ये जो नीचे सारी शर्तें दे रखी हैं वो सबसे पहले दे रखी हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए। तो पहली हमारी शर्त है कि सीनियर सेकेंडरी फॉर इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि DLED की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि जो BTC DLED जो है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें यह कहा गया है या तो वो पास हैं या तो अपेयरिंग है फाइनल ईयर के लिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य भी यही था कि इसमें ये जो लिखा है कि पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल एग्ज़ाम, इसका जो है वो मतलब क्या है। मतलब इसमें उनका सिंपल सा ये है कि जो भी आपने सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम दिए हैं, इनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, इनकी जो डेट है यानी कि जो आवेदन की लास्ट डेट है 5 मार्च, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे के 3rd सेमेस्टर शुरू हो गए हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो 5 मार्च से अगर पहले आ जाता है, यानी कि जो सीटेट के आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आ जाता है, तो वो लोग भी जो है वो पात्र होंगे सीटेट के। ऐसे है कि वो भर तो सकते हैं पर जो पात्रता है वो उनकी ऐसे मान्य नहीं होगी। तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जो 3rd सेमेस्टर में गए हैं, उनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अगर 5 मार्च से पहले आ जाता है, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो CTET का आवेदन कर सकते हैं। और अगर उनका रिज़ल्ट जो है वो 5 मार्च के बाद आता है तो वो जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये 5 मार्च जो डेट है इसको बढ़ाने को लेकर भी जो है काफ़ी बात चल रही है कि इसकी डेट हो सकता है बढ़ जाए। तो ऐसी अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यही जो है वो हमारा सिंपल सा DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर के पेपर के एग्ज़ाम जो है वो दे चुके हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं या ये जो शर्तें हैं वो अप्लाई होंगी। तो आई होप आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। बात कर लेते हैं थोड़े और आगे पॉइंट्स की, और इसी प्रकार जो है वो आगे भी सारी जो है वो शर्तें दे रखी हैं, जैसे कि BLED के लिए या DED के लिए, तो इन सभी के लिए भी जो है सारी नीचे शर्तें दे रखी हैं। मैं ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, वहाँ से जो है आप सिंपल सी भाषा में जो है वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी जो है वो देख सकते हैं। आगे बात करें जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 एलिमेंट्री स्टेज है उसके लिए जो है ये सारी जो शर्तें हैं वो दे रखी हैं, और आगे भी जो है वो इसी प्रकार जो है वो सारी जो शर्तें हैं वो दे रखी हैं, जैसे कि BLED के लिए, DED के लिए या BED के लिए। और इसी के अलावा 6 से 8 तक के लिए जो यानी कि एलिमेंट्री स्टेज है उसके लिए भी ये जो सारी शर्तें हैं वो दे रखी हैं। और ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो मिल जाएगा, आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य जो है आपको सीटेट का आवेदन के बारे में बताना,
और इसके अलावा जो BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो है वो दे चुके हैं, उनको जो है उनका जो डाउट है उसको क्लियर करने के उद्देश्य से जो है मैंने इसको बनाया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।